आपने कई जगह का खाया होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे प्रसाद की बात करने जा रहे हैं जिसे देश विदेश में रहने वाले लोग भी खाना चाहते हैं। यह प्रसाद भगवान हनुमान जी का मन पसंदीदा माना जाता है। घी, बेसन, केसर और मेवे से बने इस प्रसाद को खाने वाला व्यक्ति ताउम्र इसके स्वाद को याद रखता है। इसके स्वाद, शुद्धता और पवित्रता का हर व्यक्ति कायल है। बता दें कि इस प्रसाद को आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा, बिहारी जायका में। आज हम बात करेंगे नैवेद्यम लड्डू की। अगर महावीर मंदिर पटना की पहचान है तो नैवेद्यम लड्डू महावीर मंदिर की। नैवेद्यम और महावीर मंदिर का साथ 29 साल का हो चुका है। लोग जब इस लड्डू को खाते हैं तो कहते हैं सभी मिठाइयों का स्वाद एक तरफ और भगवान को भोग लगाने के बाद नैवेद्यम का स्वाद एक तरफ। बता दें कि पटना हनुमान मंदिर के नैवेद्यम लड्डू की चर्चा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। हनुमान मंदिर में लगे इस लड्डू के भोग को देश के कोने कोने में पसंद किया जाता है। लोगों का यह मानना है कि महावीर मंदिर में बनने वाला यह नैवेद्यम लड्डू पूरी तरह से शुद्ध होता है। इतना ही नहीं, महावीर मंदिर के इस विशेष प्रसाद नैवेद्यम को भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय से सर्टिफिकेट भी दिया गया है। इसके शुद्धता की गारंटी FSSAI खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण के द्वारा बिलिस फूल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड को प्रमाण पत्र जारी करते हुए दी गई है। इस लड्डू को भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की ओर से भोग सर्टिफिकेट दिया गया है। इस लड्डू को खाने की चाहत दूर दूर के लोगों की होती है, इसलिए अब स्पीड पोस्ट की सहायता से इसे देश के कोने कोने में भेजा जाता है। देश के वैसे तमाम लोग जो पटना के महावीर मंदिर आने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, उनके लिए प्रसाद उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा महावीर मंदिर संस्थान एवं भारतीय डाक विभाग ने अपने कंधों पर उठा लिया है। महज कुछ छोटी सी कीमत अदा कर महावीर मंदिर के प्रसाद को अब आम लोग देश के किसी भी कोने में अपने घर पर मंगा सकते हैं। डाक विभाग के द्वारा आम लोगों को इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। लड्डू की डिलीवरी 24 से 28 घंटे में देश के किसी भी कोने में की जा सकती है। आपको बता दें कि पटना के मशहूर महावीर मंदिर में नैवेद्यम की रिकॉर्ड बिक्री भी हो चुकी है। मंदिर के इतिहास में पहली बार अप्रैल 2022 में 1 लाख से ज्यादा नैवेद्यम की बिक्री हुई थी। वहीं नैवेद्यम की बिक्री करने से जो भी लाभ मंदिर को प्राप्त होता है उससे महावीर कैंसर संस्थान में इलाज कराने वाले गरीब मरीजों की आर्थिक मदद की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंदिर का यह नैवेद्यम प्रसाद न केवल स्वाद में मन को भाने वाला होता है, बल्कि इसकी बिक्री से लोगों की सहायता भी की जाती है। बताते चले कि इससे पहले 9 मंदिरों के प्रसाद को ही FSSAI की ओर से ब्लेस्ड फुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड भोग का प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन अब देश के टॉप 10 मंदिरों के भोग में पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जी को लगाया जाने वाला भोग नैवेद्यम भी शामिल हो गया है। यह बिहार का पहला और देश का 10वां ऐसा मंदिर है जहाँ के प्रसाद को FSSAI के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। इस लड्डू को तिरुपति से आए कारीगर के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो इस लड्डू को मंदिर में प्रसाद के रूप में बनाने का काम साल 1993 में शुरू किया गया था। पटना का यह प्रसाद तिरुपति लड्डू से प्रेरित था और पटना में नैवेद्यम के लड्डू बनाने वाले लगभग सभी दक्षिण भारतीय राज्यों से ही होते हैं। वे हर मौसम में अपने पारंपरिक कपड़ों में काम करते हैं और अपने काम में कुशल होते हैं। वे दशकों से महावीर मंदिर की रसोई में काम कर रहे हैं। पहले उनके पास एक छोटा रसोई घर था जहां ज्यादातर चीजें हाथों से की जाती थी, लेकिन बढ़ती मांगों के कारण उनकी छोटी रसोई घर एक बड़ी सेटिंग में स्थानांतरित हो गई है। अब कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने के अलावा सब कुछ बड़ी मशीनों का उपयोग करके किया जाता है। महावीर मंदिर न्यास समिति नैवेद्यम की कुल बिक्री की 10% राशि प्रसाद बनाने वाले कारीगरों को देती है और यही कारण है कि तिरुपति से लोग यहाँ इस प्रसाद को बनाने आते हैं। आप में से कईयों को यह पता नहीं होगा कि इस लड्डू को प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करने की परंपरा है। बता दें कि नैवेद्यम के हर पैकेट में यह साफ तौर पर लिखा होता है कि नैवेद्यम प्रसाद है, इसको बिना भगवान को चढ़ाए खाना मना है। ऐसे में इस प्रसाद को खरीदने वाले लोग इस लड्डू को पहले भगवान को चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस लड्डू का निर्माण कर्नाटक में मिलने वाले देसी गायों के घी से ही किया जाता है, ताकि इसका स्वाद तिरुपति में मिलने वाली प्रसाद की तरह ही बना रहे। आइए हम आपको नैवेद्यम लड्डू से जुड़े कुछ फायदे बताते हैं। नैवेद्यम लड्डू का निर्माण बेसन के द्वारा किया जाता है और बेसन में फैट, एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर आदि आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं।
इस लड्डू के निर्माण में चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है और चीनी ऊर्जा स्टोर करने में मदद करती है। नैवेद्यम लड्डू में काजू और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स भी मिलाए जाते हैं और ये ड्राई फ्रूट्स हृदय स्वास्थ्य में सहायक, हड्डियों के विकास में लाभकारी, दिमाग को स्वस्थ बनाता है और पाचन तंत्र के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इस लड्डू के निर्माण में शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है और घी पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है। इसके साथ ही खाली पेट घी खाने से यह भूख को लंबे समय तक नियंत्रित करने में मदद करता है। वहीं इसके निर्माण में दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है और दूध हड्डियों और मांसपेशियों को काफी लाभ पहुंचाता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बिहारी जायके में एक नए बिहार के व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।